मैडिसन स्क्वायर की एक बेंच पर बैठा सोपी परेशान हो रहा था। उसके आसपास का मौसम अब बदल रहा था। सारे बर्ड्स साउथ की तरफ जा रहे थे और लोगों को अब गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी। तभी एक सूखा पत्ता सोपी के पास आकर गिरा। सोपी समझ गया कि अब सर्दियां आ रही हैं। सोपी समझ चुका था कि अगर उसे इस सर्द मौसम में ज़िंदा रहना है तो उसे ब्लैक्सवेल आइलैंड में जाना होगा। ब्लैक्सवेल आइलैंड एक जेल थी जहां सोपी हर साल ठंड से बचने के लिए जाया करता था। वो कोई क्राइम कर देता और कॉप्स उसे 3 महीनों के लिए जेल में डाल देते। वहां उसे फ्री खाना, सोने के लिए एक बिस्तर और ठंड से भी राहत मिल जाती। सोपी के पास अब बहुत कम टाइम था। पिछली रात न्यूज़पेपर से खुद को ढकने के बाद भी वो ठंड झेल नहीं पाया। अब ब्लैक्सवेल आइलैंड जाने का वक्त आ गया था। सोपी को पता था कि शहर में ऐसे कई चैरिटी शेल्टर होम्स हैं जहां वो बिना पैसे दिए रुक सकता है। वो लोग उसे खाना और सोने के लिए जगह भी देंगे, पर फिर वो लोग उसे नहाने के लिए भी बोलेंगे, कई सवाल पूछेंगे। सोपी को लगता था कि जेल जाना उससे आसान होगा। सोपी ने सोचा, सबसे आसान तरीका यही है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, फिर जब वो मुझसे पैसे मांगने आएंगे तब मैं उन्हें कह दूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और फिर वो कॉप्स को बुला लेंगे, सब कुछ आराम से हो जाएगा। सोपी मैडिसन स्क्वायर से निकलकर ब्रॉडवे की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो एक बड़े से कैफ़े के सामने रुक जाता है। सोपी कॉन्फिडेंट था कि वो डिसेंट लग रहा है और उसका कोट भी अच्छा है जो उसे किसी ने गिफ्ट किया था। उसे बस किसी तरह एक टेबल पर पहुंचना है। वाह, मुझे यहाँ हर तरह का खाना खाने मिलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। जैसे ही उसने कदम रेस्टोरेंट में रखा, हेड वेटर की नज़र उसके फटे जूते और कपड़ों पर पड़ी और उसने सोपी को बाहर निकाल दिया। सोपी ने सोचा कि अब कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो चलते चलते 6th Avenue के कॉर्नर तक पहुंचा। वहां उसे एक दुकान नजर आई जिसकी विंडो कांच की थी। उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और कांच फोड़ दी। सोपी ने नज़र घुमाई तो एक पुलिसमैन उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। उसे लगा कि उसका काम हो गया है, अब वो आराम से 3 महीने ब्लैक्सवेल में बिता सकता है। क्या सोपी पकड़ा जाएगा? क्या वो पुलिसमैन सोपी को गिरफ्तार करेगा? क्या है आपके व्यूज़? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और वेट करें इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब टू बाय द लॉ, बिकॉज़ वी फ्यूल योर विंग्स।